हाय फ्रेंड्स, मैं नीतू आपके अपने चैनल नीतू जॉबीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आज मैं मिक्स वेज फ्राइड राइस बनाने जा रही हूँ, तो चलिए आइए देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ और उसके लिए क्या उसमें क्या क्या चीज़ मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले चावल ली हूँ। चावल थोड़ा बारीक वाला लीजिए और जितने क्वांटिटी में आपको बनाना उस तरह से चावल लीजिए। इस चावल को मैं ली हूँ, इसको मैं 10 मिनट के लिए फूलने के लिए अभी डाल दी हूँ। और इसको कुकर में नहीं मैं बनाऊंगी, उसी खुले बर्तन में बनाऊंगी। इसका पानी निकालना पड़ता है, नहीं तो ये फ्राइड राइस अगर आप कुकर में बनाएंगे तो अच्छा नहीं बन पाएगा। यहाँ पे एक मैं बड़े साइज का शिमला मिर्च कैप्सिकम यूज कर रही हूँ। इस तरह से लंबा लंबा करके इसको काट लीजिए, पतला पतला। थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट है। 3 से 4 यहाँ पे प्याज मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ। और एक बड़े साइज का गाजर, इसको भी इस तरह से लंबा लंबा करके छोटे छोटे टुकड़े में कट कर ली हूँ मैं। और यहाँ पे मैं 250 ग्राम पनीर यूज कर रही हूँ, इसको इस तरह से कट कर ली हूँ। और हाफ पत्ता गोभी कैबेज यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ, इसको भी इस तरह से लंबा लंबा ही कट कीजिए। अब सबसे पहले मैं पनीर को यहाँ पे 3-4 चम्मच में तेल डाल दी हूँ। सरसों का तेल मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, आप जो भी तेल यूज करते हैं कर सकते हैं। पनीर को मैं थोड़ा सा हल्का सा मैं 2 से 3 मिनट के लिए भूंज लूँगी। 2 से 3 मिनट हो गया है, अब इसको मैं किसी बर्तन में निकाल लूँगी। अब इसी तेल में मैं प्याज को पहले 2-3 मिनट भूंज लूँगी, उसके बाद फिर ये सब सब्जी में डालूँगी। मीडियम फ्लेम पे ही मैं इसको भून रही हूँ। प्याज को 2 से 3 मिनट हो गया है, जिसमें मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल लूँगी। इसी के साथ और ये सब सब्जी को भी मैं एक साथ डाल के सबको 10 मिनट तक भून लूँगी। सब्जी को ज़्यादा यहाँ पे फ्राइड राइस के लिए पकाना नहीं होता है, तो इसको अब पक्का पकाना है, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। ये देखिए अभी भून से तैयार हो गया है। 10 से 15 मिनट इसको हुआ है मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए। अब सब ये जो पनीर है इसको भी मैं इसी में डाल दूंगी। उसके बाद जब चावल पक जाएगा तो फिर इसमें डाल के हम फ्राई करेंगे। अभी मैं चावल बना ले रही हूँ, ये देखिए। इसको अच्छे से धो के इसको इसी बर्तन में बनाऊंगी। थोड़ा सा इसमें मैं नमक अभी डाल रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे मैं घी डाल ले रही हूँ। आप घी की जगह पे रिफाइंड भी डाल सकते हैं, ये इसलिए ताकि ये चावल जो है एक दूसरे से चिपके नहीं। और चावल को ज़्यादा गलाना नहीं है, थोड़ा सा कड़ा जब रहेगा तभी इसके गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। मैं जो चावल बना रही हूँ उसको पकने में लगभग 15 से 20 मिनट टाइम इस बर्तन में पकाने में लग जाता है। आप लोग जो भी चावल बना रहे हो जितना टाइम लगता है उससे थोड़ा कम ही पकाइए उसको, क्योंकि थोड़ा सा कड़क रखना है, फिर फ्राई होने में भी ये पकता है। ये देखिए अब ये पूरा पक चुका है, इससे ज़्यादा इसको हमको नहीं पकाना है। ये देखिए थोड़ा सा कड़ा ही इसको उतारना है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी बचा हुआ है किसी छन्नी में डाल के इसको पूरा छान लेना है, पानी बिल्कुल भी इसमें नहीं रहने देना है। अब गैस के फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ और इसको चावल जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद फ्राई करना है। ये देखिए अभी पूरा चावल जो है ठंडा हो गया है। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑन कर दी हूँ। अभी मैं इसी में सारे चावल को थोड़ा थोड़ा सा करके डाल लूँगी। सब चावल मैं डाल ली हूँ। अब इसमें मैं अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल रही हूँ। आप लोग जैसे खाते हो कम या ज़्यादा उस तरह से नमक डालिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल ले रही हूँ।
इसमें और तेल वगैरह डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब्ज़ी में तो तेल है ही। यहाँ पे मैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच चिल्ली पाउडर, एक चम्मच गोलकी जीरा पाउडर, तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, जिस तरह से आप लोग तीखा खाते हैं उस तरह से। अब इन सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको भी मैं 10 मिनट तक फ्राई करूँगी। 10 मिनट में आपका मिक्स वेज फ्राइड राइस बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी खाने में लगता है। यहाँ पे मैं 2 चम्मच अभी शेजवान चटनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट में फ्राइड राइस मसाला आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं घर का ही मसाला बस डालती हूँ। थोड़ा सा चिल्ली सॉस डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच भर, 2 चम्मच टमाटो केचप यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, और 2 चम्मच सोया सॉस मैं डाल रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। दस मिनट तक मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी मीडियम फ्लेम पे, और अभी 10 मिनट आपका हो गया है फ्राई करते हुए इसे। और ये मिक्स वेज फ्राइड राइस बनके रेडी है, हेल्दी एंड टेस्टी। तो आप लोग कब ट्राई कर रहे हैं मेरी ये रेसिपी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। और जो नए लोग हैं इस तरह की कुछ अगर सिंपल रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।